हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक है। मैं हूं रिमी। इस वीडियो में आप देखेंगे ये बहुत खूबसूरत सूट पेंटिंग। इसमें से थोड़ी सी डिजाइन आप आलू से भी बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत है और बहुत इजी भी है इसको बनाना। आप अपनी कोई भी लॉन्ग ड्रेस या सूट या कुर्ती के ऊपर इसको जरूर ट्राई कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें स्केल से मार्क कर लेना है। मेरी ये कुर्ती की ये नेक है, ये बोट शेप की तरह है। आप कोई भी राउंड नेक के ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो यह पहले स्केल से मार्जिन कर लेना है। देखिए, इस साइड से मैंने कर लिया है, अब इस साइड पे भी सेम होगा। और लंबाई में आप जितना चाहते हैं उतना लंबाई में आप कर सकते हैं। मेरी ये कुर्ती जितना, ये कुर्ती थोड़ी लॉन्ग कुर्ती है, इसके मैं लंबाई तक मैं कर रही हूँ इस डिज़ाइन को, तो ही ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसके अंदर ही हमें डिज़ाइन को कर लेना है। इसके लिए पहले आलू को पहले कट कर लेना है। उसके ऊपर मेरे पास अभी स्केच पेन नहीं मिल रहा है, तो मैं मार्कर से ऐसे ट्राई कर रही, बट इससे नहीं हो रहा है। आप स्केच पेन से कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक, हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल शेप की तरह आलू को हमें ऐसे कट कर लेना है। देखिए, ये हमारी ब्लॉक बन गई है। अब कलर के लिए मैं यूज़ करी फेबिक्रिल की पार्ल मेटेलिक कलर, पार्ल गोल्ड कलर है ये। अब ये बोतल थोड़ी बड़ी साइज़ की है, ये मैंने ऑनलाइन ली थी। और इसके छोटे छोटे साइज़ के भी होते हैं जो मार्केट में इजीली मिल जाती है। ये बड़े साइज़ की बोतल मुझे मार्केट में कभी नहीं मिला है, ये मैंने ऑनलाइन ली थी। अब यहाँ जो हमने मार्क की थी दो साइड पे बॉर्डर, उसके सेंटर पे देखिए ऐसे पहले हमें ब्रांचेस को करना है। ये मैंने कलर के लिए, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पार्ल मेटालिक गोल्ड कलर यूज़ कर रही हूँ। और 0 नंबर की राउंड ब्रश, जो कि सबसे ज़्यादा काम आती है, तो वो ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अब अगर थोड़ी ये डिज़ाइन, ये ब्रांचेस थोड़ी और ब्रॉड दिखाना चाहते हैं, तो आप 2 नंबर की राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रश को, ब्रश में कलर बहुत ज़्यादा लेके यूज़ मत कीजिए। इसमें क्या होता है, कलर ठीक हो जाती है और ड्राई हो जाती है कपड़ा और ज़्यादा। और अगर आप जब वॉश करेंगे तो इसके ऊपर थोड़ी सी स्क्रैच करने पर भी ये कलर उड़ जाती है। एक्चुअली इस ड्रेस के बैक साइड पे भी डिज़ाइन था, तो अभी लॉकडाउन के वजह से मैं तो मार्केट उतना नहीं जा पा रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ, इसके इस साइड पे भी मैं डिज़ाइन कर रही हूँ ताकि मेरी एक और वीडियो बन जाए, क्योंकि अभी ज़्यादा कपड़ा भी नहीं है मेरे पास। और कलर करने के टाइम आप पीछे कोई कार्डबोर्ड रख सकते हैं। ये मैंने पार्ल मेटालिक कलर में क्या होता है, ये बैक साइड में स्प्रेड बहुत कम होती है, इसलिए मैंने कोई कार्डबोर्ड कुछ नहीं इसके पीछे रख रही हूँ, बट आप रख सकते हैं। अब ये जो ब्लॉक हमने रेडी की थी, ये रेड कलर की मैंने अब कलर लिया है, ये है फेब्रिक्रिल की फेब्रिक कलर। तो इस ब्लॉक को ये देखिए ऐसे कलर हमें इसके ऊपर लगाना है। अब ब्लॉक को क्या करना है, अच्छे से आपको प्रेस करके कुछ टाइम होल्ड करके रखना है। अब तुरंत नहीं उठाइए, नहीं तो क्या होगा, कलर ठीक से नहीं लगेगी। और ब्लॉक में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, देखिए इससे अच्छा तो नहीं होगा। आप सबसे अच्छे रिजल्ट के लिए मैं दिखाती हूँ बाद में आपको क्या करना है। ये हाथ में बहुत कलर लग जाती है, तो ध्यान रहे हाथ से कलर कपड़े के ऊपर ना लग जाए। अब इसके लिए मैंने कोई मार्किंग नहीं की थी, आप चाहे तो कोई मार्क कर सकते हैं कहाँ कहाँ आपको ये ब्लॉक को प्रेस करना है, बट 2 लाइन के बाहर कोई डिज़ाइन कुछ भी नहीं जाना चाहिए। देखिए, अब इसके ऊपर ये ड्राई होने के बाद एक बार इसके ऊपर कलर कर दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, मैं सारे ब्लॉक के ऊपर जहाँ प्रिंट की थी उसके ऊपर फिर से कर रही हूँ, ताकि इसकी एक शाइनी, एक बहुत अच्छी लुक आ जाए, नहीं तो ब्लॉक में थोड़ी सी ऐसे होती है। अगर आप ब्लैक और वाइट करेंगे तो नहीं होगा, मैंने देखा है, ये नोटिस किया है मैंने, और ज़्यादा वाइट के ऊपर ब्लॉक अच्छा होता है वाइट के ऊपर। अब ये रेड जब अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद हमें इस कलर, वाइट कलर से इस डिज़ाइन को करना है। है ना बहुत ही आसान।
আর যদি বাঙালি হও তাহলে আমাকে বাংলাতে কমেন্ট করতে পারো, কি জানতে চাও পুরো বলতে পারো, আমি বাংলাতেই তোমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেব, আমিও বাঙালি। আর যদি আমার ব্লগের চ্যানেল দেখতে চাও, সারাদিন কী কী করছি তো সেটাও দেখতে পারো, আমার ওটা একটা নতুন চ্যানেল, নতুন না তাও হয়ে গেছে বেশ মাসখানেক কি কয়েক মাস হয়েছে ওটা, আর দেখতে পারো, সেটার লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো। তো ইস তরিকে সে রেড কালার হমে পেলে ড্রাই হো করনা হ্যাঁ ফির উসকে উপর ইয়ে করনা হ্যাঁ পেলে আচ্ছে সে ড্রাই হোনে দিজিয়ে উসকে বাদ কিজিয়ে। अब देखिए ऐसे ये सारे रेड के ऊपर इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेना है। आप कोई भी ड्रेस के ऊपर इसको कर सकते हैं, आप लॉन्ग ड्रेस के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। इसके ऊपर लेमन येलो कलर भी बहुत अच्छा लगता है, बट मेरे पास अभी वो कलर ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब ये है पार्ल मेटालिक कलर, फिर से हमें यूज़ करना है इसके लीव्स करने के लिए, बट फिर भी ध्यान रहे बॉर्डर लाइन जहाँ हमने पहले मार्क की थी उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। और आफ्टर वॉश ये कलर कुछ भी नहीं होता है। अब ऐसे आप एक दो लीव्स ऐसे भी कर सकते हैं, ये लीव्स के लिए भी मैंने कोई मार्किंग कोई आउटलाइन नहीं किया है, आप चाहे तो कर सकते हैं। लाइट कलर के ऊपर डार्क कलर से पेंट करें और डार्क कलर के ऊपर लाइट कलर से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आफ्टर वॉश ये कलर कुछ नहीं होता है, फिर भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए मेरी एक रिसेंट वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन पर उसकी लिंक दे दूँगी, आप चाहे तो उसे एक बार देख सकते हैं। और भी सूट के ऊपर बहुत सारे डिज़ाइन हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। एक ग्रीन कलर के ऊपर भी एक दुपट्टा डिज़ाइन है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, इसके ऊपर इसके साथ मैच भी होगा, क्योंकि एक वीडियो में दुपट्टा डिज़ाइन और कुर्ती डिज़ाइन दिखाना पॉसिबल नहीं होता है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, तो आप उसको एक बार ज़रूर देख सकते हैं, इसके ऊपर वो बहुत मैचिंग होगा और अच्छा लगेगा इसके साथ। और इस वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है तो और भी दुपट्टा के ऊपर सूट के ऊपर डिज़ाइंस है, डिस्क्रिप्शन पे अलग अलग प्लेलिस्ट है। ऐसी कोई नेसेसरी नहीं है मैं जहाँ लीव्स बना रही हूँ आपको उधर ही करना है, आप जहाँ आपको लगा या ज़्यादा गैप है तो आप वहाँ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, है ना बहुत खूबसूरत। सी यू सून, बाय।